नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हो तो गाइस, आयुष्मान कार्ड बनाने से पहले गाइस आपको करना क्या है, आप जो है अपना लिस्ट में पहले अपना नाम चेक कर लीजिए, उसके बाद जो है आप आयुष्मान कार्ड बनाइए। उससे होता क्या है, आपका आयुष्मान कार्ड बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत ही आसान तरीका से जो है अपने मोबाइल फोन से ही लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हो बहुत इजीली तरीके से। गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। और इस चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलते अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पर, वही पे चलकर आपको बताते हैं। सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, आपके क्रोम ब्राउजर पे ये आपको टाइप कर देना है। उसके बाद जो गाइस मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हो। जैसे आपके द्वार आयुष्मान पे आइएगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। चलिए मैंने पहले मोबाइल नंबर फिल करके रखा हुआ था, आप भी यहाँ से मोबाइल नंबर फिल करके ओटीपी से आपको साइन इन कर लेना है गेट ओटीपी पे। जैसे साइन इन कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है गाइज आपको एक ओटीपी ले लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा दे करके फिल कर लेना है। फिल करके यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन कीजिएगा ना गाइस, यहीं पे जो है आपको कैप्चा दे करके यहाँ से आपको ऐसे लॉगिन हो जाना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो गाइस मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ वहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो, या नहीं तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे खुल जाएगा आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद, यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, नेम यहाँ पे सेलेक्ट नेम कर लेना है, स्टेट नेम। उसके बाद स्टेट नेम के बाद आप डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला से आप आते हो वो भी आपको सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है, बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद यहाँ से ब्लॉक, आपका पंचायत ब्लॉक कहाँ है, प्रखंड, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से ब्लॉक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक नेम क्या है वो भी यहाँ से सेलेक्ट आपको कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे विलेज नेम, आप कौन गांव, आप कौन सा गांव से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। चलिए मैंने अपना गांव यहाँ चूज कर लिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है, सर्च वाले ऑप्शन, सिंपली आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पे क्लिक कीजिएगा ना, आपका जो है यहीं पे जो है पूरा लिस्ट आपको डाउनलोड करके आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका से, जो है आयुष्मान कार्ड में आपका लिस्ट में नाम है या नहीं आप पता कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले रिकॉर्ड, डिस्प्ले रिकॉर्डिंग टोटल नंबर जितना है, यहाँ पे आपको फाइल, यहाँ पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड ऑप्शन आपको देखने को मिलने, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। पीडीएफ वाला आपका पीडीएफ जो डाउनलोड हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको इसी में ढूंढना है आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। चलिए मेरा पीडीएफ खुल गया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे सर्च, सर्च पे आपको अपना नाम लिख लेना है। जैसे नाम लिख के सर्च कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपका नाम होगा आयुष्मान कार्ड में, तो आपका नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक नेम सर्च किया, उसके बाद यहाँ पे उसका नाम आ गया, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका पीला कलर का। इसी तरह आप भी अपना नाम देख सकते हो और उसके बाद गाइज अपना लिस्ट में नाम देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके।